रवीना टंडन पर लगा बुजुर्ग महिला संग मारपीट करने का आरोप। क्या नशे में धुत थी रवीना टंडन? रवीना टंडन की कार ने किसको मारी टक्कर? कंगना रनौत ने रवीना टंडन के विवाद पर दिया रिएक्शन। कंगना रनौत ने मामले पर कह दी इतनी बड़ी बात, तो आइए जानते हैं आखिर ऐसा क्या हुआ। दरअसल एक्ट्रेस पर आरोप लगा कि उन्होंने और उनके ड्राइवर ने एक बुजुर्ग महिला और उनके परिवार के साथ मारपीट की है, जिसके बाद कुछ लोगों ने उन्हें वहां घेर लिया था। पीड़ित मोहम्मद ने आरोप लगाया कि रवीना टंडन ने नशे की हालत में उनकी मां के साथ मारपीट की है। उन्होंने अपनी गाड़ी भी उन पर चढ़ा दी, लेकिन मुंबई पुलिस ने बताया कि शिकायतकर्ता ने झूठी शिकायत दी। हमने सोसाइटी के पूरे सीसीटीवी फुटेज की जांच की है और पाया कि अभिनेत्री का ड्राइवर सड़क से सोसाइटी में कार को पीछे कर रहा था, तब यह परिवार उसी लेन को पार कर रहा था। परिवार ने कार रोकी और ड्राइवर से कहा कि उसे पीछे करने से पहले जांच करनी चाहिए कि पीछे कोई और तो नहीं है, और उनके बीच बहस हो गई। कंगना रनौत का भी इस पर रिएक्शन आ चुका है। कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर इस मामले को लेकर लिखा, रवीना टंडन जी के साथ जो हुआ वह बहुत ही चिंताजनक है। अगर विरोधी ग्रुप में 5-6 लोग और होते तो उन्हें पीट पीट कर मार दिया जाता। हम इस तरह के रोड रेज जैसी घटनाओं की निंदा करते हैं, उन लोगों को फटकार लगाई जानी चाहिए। हालांकि मुंबई पुलिस ने बताया कि अब यह मामला शांत हो चुका है और महिला ने अपना केस वापस ले लिया है। अगर आप बॉलीवुड से जुड़ी हर लेटेस्ट खबर को जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।